हेलो स्पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, तो ध्यान से सुनना। पूरे चैप्टर को समझोगे तो आपको जो चीजें जो आगे अपन बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे वहां पर आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चीजें है ना, यहाँ पर जो बात करेंगे ये आपको आगे काफी सारे चैप्टर्स में देखने के लिए मिलने वाली है, तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको फ्री टेस्ट, फ्री नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, कब क्लास होनी है कब नहीं होनी वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन अपन पढ़ रहे हैं, चैप्टर का ये नाम है। सबसे पहले एक बात आती है कि जीवन का जो प्रारंभ है ना, वो एक कोशिका से ही होता है। बिना किसी कोशिका के जीवन संभव नहीं है। जैसे मैं बात करूं, वो कोई भी जीव है, उसका जीवन जो है बिना कोशिका के तो वो जीव ही नहीं होता। जैसे वायरस की बात करें तो वायरस के पास में कोई कोशिका नहीं होती तो वायरस जीव भी नहीं होता। हमारी बात करें अपन मानव की, तो हमारा इतना बड़ा जो शरीर है कहां से बना है? एक कोशिका से बना हुआ होता है। हम जो इतने बड़े, हमारा जो बड़ा शरीर बन जाता है किस, कहां से बनता है? एक कोशिका। कौन सी? युग्मन जायगोट से हम इतने बड़े बन जाते हैं। कैसे? इसी कोशिका विभाजन की मदद से। ये जो जादू है कोशिका विभाजन का, इसी की मदद से हमारा शरीर इतना बड़ा बन जाता है। कहां से स्टार्ट हुआ है? एक कोशिका से हम स्टार्ट हुए हैं और आज देख लो कितने बड़े हो गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कोशिका विभाजन इस तरीके से काम करती है। इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इस तरीके से कोशिका विभाजन होता है, क्यों होता है, इस तरीके से होता है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो साथ रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बातों। तो पहली बात अपन यही लिखेंगे, पहली चीज जो अपन यही नोट करने वाले हैं। क्या भैया? मैंने कहा पहली बात तो यही होगी कि जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। तो जीवन जो प्रारंभ है, जीवन प्रारंभ एक कोशिका से होता है। ठीक है, अपन मानव का एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जाइगोट, जो एक कोशिका है वो कौन है आपकी? जाइगोट, जाइगोट युग्मनज। क्या है? युग्मनज। ठीक है, जाइगोट से अपनी कोशिका विभाजन जो है, या अपना जीवन जो है वो स्टार्ट होता है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर विभाजन होगा। इसके अंदर क्या होता है? विभाजन होता है, और विभाजन के बाद में बहुत सारे विभाजन होंगे और इस एक ही कोशिका से पूरा जो है हमारा शरीर बन जाता है। हमारा पूरा शरीर जो है वो बन जाता है। ठीक बात है क्या? बोल रहा है ना? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जीवन प्रारंभ एक कोशिका से होता है और वो कोशिका जाइगोट, जाइगोट में बहुत सारे क्या होंगे? विभाजन होंगे। ठीक है, और हमारा पूरा शरीर जो है इतना बड़ा बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बन जाती हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में ये दो कोशिकाओं में क्या हो गई? विभाजित हो गई। क्या हो गई? दो कोशिकाओं में क्या हो गई? विभाजित हो गई। ये एक कोशिका थी और विभाजन होने के बाद में क्या हो गई? ये दो नई कोशिकाएं इसने बना ली। ठीक बात है। अब ये जो दोनों नई कोशिकाएं बनी है उनको क्या कहेंगे अपन? ये जो दो नई कोशिका बनी है इनको क्या कहेंगे अपन? इनको कहेंगे अपन नई संतति कोशिका। क्या कहेंगे अपन? नई संतति कोशिका, कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, अंग्रेजी में बात करूं तो न्यू डॉटर सेल्स इनको कह देंगे। ठीक बात, आगे जाके
ये जो कोशिकाएं बनी है, ये वाली कोशिका अलग कोशिका विभाजन करेगी, ये वाली कोशिका अलग कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, ये फिर आगे जाके अलग कोशिका निर्माण कर लेगी। तो इस तरीके के आगे जो है विभाजन जो है वो चलता रहता है। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया। मैंने कहा यह बात तो ठीक है कि कोशिका विभाजन करती है, लेकिन क्यों करती है ये बताओ हमें। तो कोशिका विभाजन करती ही क्यों है, इस बात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कोशिका विभाजन क्यों करती है, विभाजन क्यों होता है, ये हेडिंग डालिए। विभाजन क्यों होता है, विभाजन क्यों होता है। ठीक है, तो विभाजन इसलिए होता है कि भैया कोशिका थी, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये जो कोशिका है ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, वृद्धि हुई, इस कोशिका के अंदर क्या हुई, वृद्धि हो गई, इस कोशिका में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इस कोशिका में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के बाद में ये कोशिका कैसी हो गई, कुछ इस प्रकार की, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, वृद्धि हुई उस कोशिका में और ये कोशिका इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, जब कोशिका में वृद्धि होती है, कोशिका में जब वृद्धि होती है तो क्या क्या वृद्धि होती है, मैंने कहा कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो बढ़ जाता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो केंद्रक है इसकी साइज भी बढ़ जाती है। केंद्रक कौन सा है, इसको न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, बताइए आप सबको। ठीक है, मैंने कहा कोशिका छोटी सी थी, इसके अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई, और जब वृद्धि होगी तो इसका कोशिका द्रव्य उसकी वो बढ़ गया, उसकी मात्रा बढ़ गई, उसके अलावा जो आपका केंद्रक है ये बढ़ गया, दोनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, कोशिका द्रव्य में भी बढ़ोतरी हुई है, केंद्रक में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन तुलना जब हम करें ना, दोनों की तुलना हम करें, केंद्रक की साइज भी बढ़ी है और आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म इसकी साइज इसकी अमाउंट भी बढ़ी है, इसकी मात्रा भी बढ़ी है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे दोनों में तो ज्यादा कौन बढ़ गया, आपका कोशिका द्रव्य जो है वो ज्यादा बढ़ गया, कोशिका द्रव्य जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर केंद्रक भी बढ़ा है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है, वृद्धि हुई है केंद्रक में भी और कोशिका द्रव्य में भी वृद्धि हुई है, कोशिका द्रव्य में भी वृद्धि जो है वो हुई है, लेकिन दोनों में से ज्यादा वृद्धि किसमें हो गई, आपका जो कोशिका द्रव्य है इसमें ज्यादा वृद्धि हो गई। भैया इससे क्या हुआ, मैंने कहा जो अनुपात था ना केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में जो अनुपात था वो गड़बड़ा गया। ठीक है, वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया, जिस अनुपात में कोशिका द्रव्य और केंद्रक को होना चाहिए था वो सिस्टम जो है यहां पर गड़बड़ा गया। क्यों, क्योंकि तो कोशिका ने वृद्धि की, वृद्धि करने पर केंद्रक की साइज है वो भी बढ़ी और कोशिका द्रव्य की मात्रा भी बढ़ी, लेकिन कोशिका द्रव्य की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में जो अनुपात होता है वो बिगड़ गया, और वो अनुपात बिगड़ गया तो उस अनुपात को ठीक करना पड़ेगा, उस अनुपात को ठीक करने के लिए ही ये जो कोशिका अब क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। ये जो अनुपात बिगड़ा है केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में, इसको ठीक करने के लिए ही क्या है, ये कोशिका क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। विभाजन कर लेगी और विभाजित होकर क्या है, दो कोशिकाओं में बट जाएगी। जब बट जाएगी तो ये जो दो नई कोशिकाएं बनी है ना, इनका क्या रहेगा, इनका जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में जो अनुपात है वो मेंटेन हो जाएगा। तो जो दिक्कत यहां पर आई थी वो यहां पर सॉल्व हो गई। अब आगे जाके ये कोशिका क्या करेंगी, ये भी वृद्धि करेंगी और वृद्धि करने के बाद में वापस वही कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में जो अनुपात है वो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आगे और विभाजन जो है वो चलता रहेगा। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, मैंने कहा केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात जो है वो यहां पर अव्यवस्थित हो जाता है, केंद्रक
अव्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित हो जाता है और इस अव्यवस्थित हो गए अनुपात इसी को ठीक करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसको सही करने के लिए को सही करने के लिए कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, ठीक बात है क्या? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग डाली कोशिका चक्र। ठीक है, अब दो चीजें पढ़ेंगे अपन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र की बात कर लेते हैं, क्या है कोशिका चक्र? मैंने कहा कोशिका एक पूरा चक्र लगाती है जिसके अंदर कोशिका विभाजन भी होता है। आइए बात करते हैं, हेडिंग डाली कोशिका चक्र। कोशिका चक्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं, वो भी लिख लो। सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दो, थोड़ा पानी पिया जाए, थोड़ा पानी पी ले भैया। आज और एक कल और शायद मेरे साथ ख्याल से रिकॉर्डेड लेना पड़ सकता है, उसके बाद में वापस से जो आपकी लाइव जो क्लासेस हैं वो वापस आपके स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्वेल्थ क्लास का जो पोर्शन है वो अभी अपन रिकॉर्डेड में स्टार्ट नहीं करेंगे, जब अपना लाइव वाला जो इंटरनेट की जो जो चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अप्लाई कर रखा है मैंने, तो वो एक दो दिन में लग जाएगा। उसके बाद में अपन जो है ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी लाइव में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको एक दो दिन रिकॉर्डेड मिल सकते हैं, बाद में अपन लाइव वापस अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैंने कहा ये आपका जो कोशिका चक्र है ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या एनसीईआरटी लिखती है कि जो कोशिका चक्र है ये क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, इस कोशिका चक्र में क्या होता है? कोशिका की वृद्धि होती है और डीएनए की प्रतिकृति भी होती है। यहां पर मैं कह रहा हूं वापस सुनो ध्यान से, मैंने कहा कोशिका चक्र जो एक प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? कोशिका जो है वो वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, और उसके साथ में जो डीएनए है वो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृति करता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र के दौरान जो कोशिका है वो वृद्धि करती है, कोशिका वृद्धि तो होती ही है, प्लस डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो आप। मैंने कहा एक कोशिका से अपन को दो नई कोशिकाएं बनानी है, एक कोशिका से अपन को दो नई कोशिकाएं बनानी है, तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस एक कोशिका के अंदर इतना माल मसाला होना चाहिए कि दो नई कोशिकाएं बन सके। और सही बात है ना भाई, सही बात है ना। मैंने कहा कि इस कोशिका के पास में, जिस एक कोशिका से अपन को दो नई कोशिकाएं बनानी है, इस एक कोशिका के पास में वो सारा माल मसाला होना चाहिए कि दो अलग कोशिकाएं बन जाए भाई। अरे हाँ या ना बोल भाई। ठीक है, मैंने कहा कि किसी एक इंसान को सेम टाइप के दो घर बनाने हो, दो घर बनाने हो, तो उनके पास में उतना वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो दोनों घर जो है वो सेम बना सके। और हाँ या ना बोल, ठीक बात है क्या? तो सेम चीज यहां पर होगी, कोशिका विभाजन से पहले कोशिका क्या होगी? वृद्धि करेगी और उसके अलावा डीएनए प्रतिकृति होगी। ठीक है,
इस कोशिका चक्र के अंदर जितने भी आपकी प्रक्रियाएं चलेंगी ना, जितनी भी आपकी प्रोसेस होंगी, वो सारी आपस में समायोजित होंगी, कोऑर्डिनेटेड होंगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस अलग चल रही है, दूसरी अलग चल रही है, नहीं, सारी आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगी, समायोजित होंगी। तो यहां पर अपन एक बात लिखेंगे कि सभी प्रक्रियाएं सभी प्रक्रियाएं क्या होंगी, समायोजित होंगे, मिलजुल के काम होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होंगी आपस में, है ना। कोऑर्डिनेटेड होती है, अब ये समायोजित क्यों होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड क्यों होती है, इसलिए होती है ताकि विभाजन जो है वो सही से हो, ठीक है, ताकि विभाजन सही से हो, ठीक है, विभाजन सही से हो, इसलिए क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड आपकी होती है, ठीक है, बात है। घटनाएं क्या क्या होती हैं, थोड़ी सी उनके बारे में अपन बात कर लेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी यहां पर लिखती है, बाकी आगे और अपन डिटेल में बात करेंगे। तो घटनाओं का अनुक्रम देख लो एक बार, घटनाओं का, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोशिका को दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना है, तो उसके पास में जीनोम जो है वो होना चाहिए कि दोनों कोशिकाओं के पास में बराबर वो डिवाइड कर सके, भाई ठीक बात है। अरे भाई सुन मेरी बात ध्यान से, मेरे पास में डीएनए जो है वो है, ठीक है, मुझे अब दो नई कोशिकाएं बनानी है, इस कोशिका के पास में डीएनए है, इसको दो नई कोशिकाएं बनानी है, तो इसको जो डीएनए है वो दोनों कोशिकाओं में बराबर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, तो इसके पास में भी उतना डीएनए होना चाहिए कि दोनों कोशिकाओं के पास में बराबर डीएनए चला जाए, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि कोशिका अपने जीनोम को क्या करती है, द्विगुणन करती है, द्विगुणन मतलब डबल कर लेती है, डुप्लीकेशन करती है, डुप्लीकेशन से क्या होगा, डबल हो जाएगा, डबल से क्या होगा, दोनों कोशिकाओं के पास में बराबर चला जाएगा, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा ना, ठीक है, अभी अपन बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं ना। कोशिका अपने अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, ठीक बात है क्या, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ जीनोम से काम थोड़ी ना चलेगा भाई, मैंने कहा इस एक कोशिका को दो नई कोशिका बनानी है तो सिर्फ जीनोम डबल होने से कोई मतलब नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है कोशिका के अंदर जो डबल डबल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कोशिकाओं के अंदर अपन को बराबर देनी पड़ेंगी, ठीक बात है या नहीं है, और हाँ या ना बोल, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो अन्य घटक होते हैं कोशिका के अंदर, जो अन्य घटक होते हैं उनका भी संश्लेषण करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि दोनों कोशिकाओं के अंदर अपन को वो चीजें बराबर ट्रांसफर करनी है। अन्य घटकों का संश्लेषण, ठीक है, ये प्रोसेस होगी। उसके अलावा जो कोशिका के अंग हैं, ठीक है, जो अपन ने कोशिका वाले चैप्टर पढ़े हैं, अलग अलग अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, लाइसोसोम हो गया, तो ये सारे जो कोशिका अंग हैं, ठीक है, इनका क्या होगा, द्विगुणन होगा, इनको भी क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा, ताकि दोनों कोशिकाओं के पास बराबर चीजें चले जाए। ऐसा समझो कि भाई दो भाई हैं, दोनों के अंदर बंटवारा करवाना है, तो उनको चीजें जो बराबर बांटनी पड़ेंगी ना भाई, दो चम्मच है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, दो थाली है, एक इसको, इसको दे दो, समझ में आ रही है बात, सेम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कोशिका अंग का द्विगुणन, ठीक बात है क्या, विभाजित होने के बाद में एक कोशिका से, कोशिका जब विभाजित होगी तो संतति कोशिकाएं बनेंगी यहां पर, ठीक है, तो विभाजित होकर क्या करेंगी, संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर मैंने एक बात लिखेंगे कि विभाजित होकर
कोशिका जो है वो विभाजित होकर संतति कोशिकाओं कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये संतति कोशिकाएं कितनी होंगी? ठीक है, मैंने कहा एक कोशिका विभाजित होती है तो वो क्या करती है, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। लेकिन ये संतति कोशिका होंगी कितनी होंगी? दो? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा दो नहीं होंगी। क्या क्या बात कर रहे हो, हमेशा दो नहीं होंगी तो कितनी होंगी? मैंने कहा ध्यान से देख, विभाजन दो प्रकार का होता है, विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक क्या होता है आपका मियोसिस, एक माइटोसिस होता है और क्या होता है मियोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी वाला नाम भी लिख देता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगर विभाजन समसूत्री विभाजन है, अगर विभाजन का प्रकार समसूत्री विभाजन है तो नई जो संतति कोशिका है वो कितनी बनेगी? दो बनेंगी भैया। कितनी बनेंगी? दो बनेंगी। कितनी बनेंगी? दो बनेंगी। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया। और अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है, अगर विभाजन का प्रकार मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तब आपकी जो संतति कोशिका वो कितनी बनेगी? चार बनेंगी। ठीक बात है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। वापस एक बार बात करेंगे अपन। मैंने कहा कोशिका विभाजन का अपन क्या कर रहे हैं, घटना जो होगी उनका अनुक्रम देख रहे हैं। तो मैंने कहा पहले तो कोशिका जो अपने जीनोम का द्विगुणन करेगी, क्योंकि दोनों कोशिकाओं के दर्पण को बराबर समान भेजना है। अन्य जो घटक है जो अपन को चाहिए होंगे उनका भी संश्लेषण उनको भी बनाना पड़ेगा, ताकि कोशिकाओं के बीच में कोई दिक्कत ना आए, दोनों कोशिकाओं में बराबर की चीजें चली जाए। कोशिका अंग का द्विगुणन होगा, जितने भी कोशिका अंग है उनका द्विगुणन होगा, क्योंकि दोनों कोशिकाओं के अंदर अपन को बराबर से चीजें भेजनी है। दोनों कोशिका जो एक कोशिका जो विभाजित होगी तो क्या बनेंगी? संतति कोशिकाएं बनेंगी। तो विभाजित होकर संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो संतति कोशिका बनेगी वो कितनी बनेगी, वो किस पर निर्भर करेगा कि विभाजन कौन से प्रकार का हो रहा है। अगर विभाजन जो है वो आपका माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो आपकी जो संतति कोशिका जो है वो दो बनेगी, और अगर विभाजन जो है वो मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो आपकी चार नई कोशिकाएं जो है वो बनने वाली है। ठीक बात है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक पॉइंट यहां पर और ऐड करेंगे, पॉइंट ये कहता है कि जो सारी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, जो सारी घटनाएं हैं ये आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। जो सारी घटनाएं हैं ये आपकी जेनेटिक कंट्रोल में होती है, आनुवांशिक नियंत्रण में होती है, हमेशा ऐसे रेंडम नहीं चलती रहती, सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में होती है, जेनेटिक कंट्रोल में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हेडिंग डालिए कोशिका चक्र का समय, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर अलग अलग समय लगता है इस कोशिका चक्र के अंदर। आज वो बात करते हैं अभी इस बारे में,
कोशिका चक्र का समय। देखिएगा, मैंने कहा अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग जीवों के अंदर ये जो समय जो है ना वो अलग अलग होता है। यहां पर अपन ये बात लिखेंगे पहले, तो फिर अपन आगे थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो अलग अलग जीव के अलग अलग जीव में ये जो समय जो है ना वो अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करें मानव की, मानव की बात करें तो मानव की जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो जीवन, इनका जो सॉरी कोशिका चक्र जो है वो कितनी देर का होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, मानव की जो कोशिका है इसका जो कोशिका चक्र है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। वही मैं बात करूं यीस्ट जो होता है ना, यीस्ट जो होती है इसका कोशिका चक्र कितना होता है? इसका 90 मिनट। तो आपकी देख मानव की जो कोशिका है इसकी देखो 24 घंटे का कोशिका चक्र होता है, वही मैं बात करूं यीस्ट का तो इसका 90 मिनट का। तो अलग अलग जीवों के अंदर अपन को अलग अलग कोशिका चक्र जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है क्या? अगली हेडिंग डालिए कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं कि भैया कोशिका चक्र के अंदर होता क्या क्या है उसके बारे में बता दो हमें। तो कोशिका चक्र के अंदर एक पूरी साइकिल है कोशिका की, उसके अंदर क्या क्या माल मसाला होगा वो बताओ हमें। तो मैंने कहा ध्यान से देख, हेडिंग डालिए पहले कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, कोशिका चक्र की प्रावस्था, ठीक बात है। तो मैंने कहा कोशिका चक्र के अंदर दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। कोशिका चक्र के अंदर दो फेज होते हैं, दो प्रावस्था होती हैं। भैया कौन कौन सी? मैंने कहा एक तो है आपकी अंतरावस्था और एक है आपकी एम प्रावस्था। मैंने कहा वापस सुनो ध्यान से, कोशिका का एक पूरा चक्र होता है और इस चक्र के अंदर दो फेज होते हैं, कौन कौन से देखिएगा ध्यान से। दो फेज होते हैं, कौन कौन से देखिएगा। एक होता है आपका अंतरावस्था, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंटरफेज कहा जाता है, इंटरफेज कहते हैं, ठीक है। और एक है आपका एम प्रावस्था, अंग्रेजी में इसको एम फेज कहा जाता है, एम फेज कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कोशिका चक्र के अंदर दो फेज होते हैं आपके, एक अंतरावस्था और एक आपकी प्रावस्था, ठीक बात है क्या। मैंने कहा अंतरावस्था जो है ना वो तैयारी का चरण होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका? तैयारी का चरण होता है, ठीक है। अंतरावस्था जो है वो आप क्या है, ये कैसा चरण है? ये तैयारी का चरण है, ये तैयारी का चरण है। यहां पर तैयारी होती है, ठीक है। किसके लिए? कोशिका विभाजन के लिए। यहां पर तैयारी जो है वो चलती रहती है। यहां पर फेज होता है जी फेज, एस फेज और जी टू फेज। ये किसके फेज होते हैं? ये आपके अंतरावस्था के फेज होते हैं, ठीक बात है। यहां पर क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। किस चीज की? विभाजन से पहले की यहां पर तैयारी चल रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका जो एग्जाम है वो तो कितने घंटे का होता है? 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता है भाई, ठीक है। और एक्चुअल एग्जाम तो 30 घंटे 20 मिनट का ही होता है, 3 घंटे 20 मिनट का ही होता है, ठीक है। बाकी आप तैयारी कितने टाइम से कर रहे हो उसके लिए?
तीन घंटे 20 मिनट के लिए तैयारी कितनी थी, कितने टाइम से कर रहे हो आप? एक साल से, दो साल से, तीन साल से, चार साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब कि तैयारी में ज्यादा समय लगता है, और जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो तो कुछ टाइम की होती है, ठीक है? तीन घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, और उसके लिए हम तैयारी एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल से करते रहते हैं। तो यही काम यहां पर होगा। जो कोशिका विभाजन है ना, एक्चुअल जो कोशिका विभाजन है वो तो जल्दी हो जाता है ना, लेकिन उस कोशिका विभाजन करने के लिए तैयारी जो है वो बहुत समय से करी जाती है। तो कोशिका चक्र का जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, जैसे 24 घंटे का एक कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र, जैसे मानव की बात करूं तो मानव की जो कोशिका है, इसका जो कोशिका चक्र का जो समय है वो 24 घंटे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इस 24 घंटे में से 23 घंटे तो कोशिका तैयारी करने में ही लगी रहती है, एक्चुअल जो विभाजन है वो तो एक घंटे में हो जाता है। समझ रहे हो बात? जैसे बात करें शादी की, बात कर लेते हैं, तो एक्चुअल जो फेरे है ना तो एक घंटे में हो जाते हैं। सही बात है क्या? वो तो एक घंटे में हो जाते हैं, और उसके लिए तैयारी कितने टाइम से है? 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं शादी की, ठीक है? और 6 महीने से मतलब तैयारियां चल रही हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है? मैं बात करूं फंक्शंस की, बात करूं तो वो भी 15-20 दिन चलते हैं, और एक्चुअल जो फेरे वो एक घंटे के अंदर हो जाते हैं। अरे हाँ या ना बोल। तो सेम चीज यहां पर होगी। तो 95% जो टाइम है ना कोशिका चक्र का, 95% जो समय है, 95% जो समय है वो किसका होता है? अंतरावस्था का होता है। 95% जो टाइम जो होता है ना वो किसका होता है? आपका अंतरावस्था का होता है। जो एम्परावस्था है, जिसमें यहां पर आपका जो रियल में विभाजन होगा, एक्चुअल विभाजन यहां पर होगा, ये तो सिर्फ 5% समय ही लेता है, 5% टाइम लेता है, ठीक है? तो मैं बात करूं कि कोई कोशिका अगर विभाजन में 24 घंटे लगा रही है, कोशिका चक्र जिसका 24 घंटा है, सॉरी, जिसका कोशिका चक्र 24 घंटे का है, मानव की कोशिका का, तो यहां पर उसका अंतरावस्था कितनी देर रहेगी? 95% टाइम, मतलब 23 घंटे तो क्या है उसके अंतरावस्था में रहेगी, तैयारियां चलती रहेंगी, और विभाजन एक घंटे में हो जाएगा जो 5% समय है उसमें। समझ में आई बात? ठीक बात है क्या? तो यहां पर एम्परावस्था में आपका एक्चुअल विभाजन जो है वो होता है। ठीक है बात, ठीक बात है। मैंने कहा विभाजन के अंदर पहले आपका जो केंद्रक है ना वो विभाजित होता है। सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोशिका है, ठीक है भैया, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है? मैंने कहा इस कोशिका, ये जो कोशिका है, विभाजन होगा तो, विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन भी होगा। तो मैंने कहा पहले जो है ना ये केंद्रक जो है ये विभाजित होगा, पहले केंद्रक विभाजित होगा और उसके बाद में ये कोशिका जो है उसका विभाजन होगा। समझ में आ रही है बात? तो पहले केंद्र का विभाजन होता है और उसके बाद में कोशिका का विभाजन होता है। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि पहले क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियो वर्ड यूज होता है आपके केंद्रक के लिए, यूज होता है कैरियो वर्ड, न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज होता है केंद्रक के लिए। काइनेसिस का मतलब विभाजन होना। तो कैरियोकाइनेसिस आपका जो केंद्रक जो है वो विभाजित होगा और उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगी आपकी? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो वर्ड आपके कोशिका के लिए यूज होता है, सेल के लिए यूज होता है, और काइनेसिस मतलब विभाजन, उसके बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होने वाला है। मैंने कहा आपका जो केंद्रक जो है ये जो विभाजित करेगा, केंद्रक जो विभाजन होगा, केंद्रक का जो विभाजन चल रहा होगा, कैरियोकाइनेसिस जो ये प्रोसेस चल रही होगी, जब आप कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस ये चल रही होगी, केंद्रक का विभाजन चल रहा होगा, तो इसके अंदर कितनी फेज है, इनके अंदर कितनी प्रावस्था है? 4 प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, पहली है आपकी प्रोफेज, पूर्वावस्था कहते हैं, प्रोफेज। दूसरी है आपकी मध्यावस्था, अंग्रेजी में मेटाफेज कहते हैं। तीसरी है यहां पर, तीसरी है यहां पर आपकी पश्चावस्था, अंग्रेजी में इसको एनाफेज कहते हैं।
और चौथी है आपकी अंत्यावस्था। अंग्रेजी में टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज कहते हैं। तो मैंने कहा आपका जो कार्डियोकाइनेसिस है, आपका जो केंद्रक है, इसके विभाजन में चार आपके फेज लगेंगे, चार अवस्थाएं आती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज और आपका एनाफेज और टीलोफेज। इनको आगे अपन डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, इनको सबको अपन आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। पहले अपन बात कर लेंगे किसकी, इनकी बात करेंगे, किसकी, इंटरफेस की बात करेंगे, अंतरावस्था की बात अपन को करनी है। पहले अपन अंतरावस्था पढ़ेंगे बढ़िया से, फिर अपन एम्परावस्था पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अंतरावस्था पढ़ते हैं। तो अंतरावस्था क्या आपको पता लग गया, तैयारी का चरण है, यहां पर तैयारी होती है और यहां पर तीन फेज के अंदर तैयारी होगी, जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज। ये जीवन फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या तैयारियां होंगी और जी टू फेज में क्या तैयारियां होंगी, इनके भी अपन बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सुनिएगा, तो पहले मैं ये बना लूं, है ना, और आप जो है अब जब जब भी लेक्चर देखो तो आप जो है ये पूरा बन जाएगा ना, उसके बाद में बनाना कितनी जगह आपको छोड़नी है अपने पेज में, कितनी नहीं, तो साथ साथ में मत लिखना, पहले एक बार सुन लो, फिर अब लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा दूंगा पूरा पेज आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये कौन सा फेज है, ये पूरे एक जो मैंने बनाया चक्र बनाया क्या है, कोशिका चक्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ये कौन सा फेज है, जीवन फेज, ये कौन सा आपका एस फेज, ठीक है, और यहां पर ये कौन सा जी टू फेज, ठीक बात है, और ये जो यहां पर बच गया इसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी, एम्परावस्था होगी, ठीक बात है। तो ये पूरा एक कोशिका चक्र है। अपन पहले बात करेंगे जीवन फेज की, अपन को बात करनी है जीवन फेज की, बात अपन को करनी है, ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं। मैंने कहा जीवन फेज को जीवन फेज क्यों कहते हैं, इसका जो नाम है वो उसको और क्या क्या कहते हैं, जीवन फेज तो उसको कहते हैं, इसके अलावा इसको गैप वन भी कहा जाता है, गैप वन भी कहा जाता है इसको, ठीक है भैया, और क्या कहते हैं इसको, तो मैंने कहा इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं इसको, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी इसको कहा जाता है भैया, और क्या कहते हैं इसको, तो मैंने कहा इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा कहते हैं इसको, पोस्ट, ये इसके नाम है भैया, पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसको कहती है, ठीक है भैया, ठीक है। मैंने कहा हिंदी में बात करूं तो पश्चसूत्री अंतराल अंतरकाल भी इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, पश्चसूत्री अंतरकाल भी इसको कहते हैं, अंतरकाल प्रावस्था लिख देता हूं तो ज्यादा बढ़ रहेगा, ठीक है भैया, और बताओ। मैंने कहा इसको प्री सिंथेटिक फेज भी उसको कहा जाता है, तो उसके नाम देख लो भाई कितने सारे हैं, प्री सिंथेटिक फेज, और नॉर्मली इसको जीवन फेज ही कहेंगे, नॉर्मल जो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, जीवन फेज आएगा या फिर गैप वन या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज आ जाएगा, बस चता चता, ठीक बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो इसके नाम हो गई, सबसे बड़ा चरण है ये जो है ना आपका एस, जो जीवन फेज होता है ये सबसे बड़ा चरण है, सबसे बड़ा चरण यही होता है, सबसे बड़ा चरण किसके अंदर, कोशिका चक्र के अंदर सबसे जो बड़ा चरण है वो यही है, सबसे बड़ा चरण यही होता है, ठीक बात है क्या, ठीक है।
क्या होगी यहां पर, क्या क्या होगा यहां पर, मैंने कहा अधिकतम जो वृद्धि है ना कोशिका की, जो अधिकतम जो ग्रोथ है वो यही हो जाती है, अधिकतम जो वृद्धि है वो आपकी जीवन फेज के अंदर ही कोशिका की हो जाती है। भाई कोशिका विभाजन क्यों हुआ था, कोई कोशिका ने वृद्धि कर ली थी, वो वृद्धि अधिकतम कहां होती है, जीवन फेज के अंदर ही होती है। मैंने कहा और क्या होता है जीवन फेज के अंदर, तो आपकी जो अमाइनो एसिड है ना उनका संश्लेषण यहां पर होता है। अमाइनो एसिड का क्या होता है, संश्लेषण होता है, अमाइनो एसिड का संश्लेषण होता है। भैया और क्या होता है यहां पर, तो मैंने कहा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बाकी सारी प्रोटीन जो है वो आपकी जीवन फेज के अंदर ही बनती है, सिर्फ दो प्रोटीन जो है ना वो आपकी जीवन फेज के अंदर नहीं बनती। मैंने कहा कि जितनी प्रोटीन आपकी इस कोशिका चक्र के अंदर बनने वाली हैं वो सारी की सारी प्रोटीन जीवन फेज के अंदर ही बनती हैं, लेकिन दो प्रोटीन ऐसी हैं जो यहां पर नहीं बनती। प्रोटीन का संश्लेषण यहां पर होता है लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट इसके अलावा मैंने कहा यहां पर दो प्रोटीन नहीं बनती, कौन कौन सी, आपकी हिस्टोन प्रोटीन और आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इनको छोड़कर बाकी सारी प्रोटीन जो है वो जीवन फेज के अंदर बन जाती हैं। भैया तो ये कहां बनती है, मैंने कहा आगे बात करेंगे इनकी, इनकी बात कहां करेंगे अपन आगे करेंगे। भैया जीवन फेज के अंदर और क्या होता है, तो मैंने कहा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनते हैं यहां पे, ये यहां पर बनते हैं। और क्या बनता है, मैंने कहा जो आपका आरएनए है उसका संश्लेषण भी यहां पर भी होगा, उसका संश्लेषण भी यहां पर होगा, आरएनए संश्लेषण भी होगा। ठीक है भैया, और क्या होगा, मैंने कहा कोशिका अंग द्विगुणन होगा। ठीक है, कोशिका के जो अंग हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उनका भी द्विगुणन यही होता है, कोशिका अंग द्विगुणन। ठीक है भैया, और बताओ, मैंने कहा एटीपी जो एनर्जी लगने वाली है इस विभाजन के दौरान, इस कोशिका चक्र में जो एनर्जी लगने वाली है, ठीक है एक सेकंड, सही चल रहा है सब कुछ, जो एनर्जी लगने वाली है उसके लिए जो एटीपी है वो एटीपी का संश्लेषण भी यही होता है, जीवन फेज के अंदर ही होता है। देख लो कितना सारा काम होता है जीवन के अंदर, एटीपी संश्लेषण भी यही होता है। ठीक है भैया, और बताओ, मैंने कहा ये जो आपकी जीवन फेज है वो उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो ये इतने सारे काम हो रहे तो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहेगी। ठीक है, तो ये उपापचय रूप से सक्रिय भी होती है। उपापचय रूप से सक्रिय होती है, ठीक बात है क्या, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर होती हैं, आपकी जीवन फेज के ये सारे क्या हैं, कार्य हैं। डन है भैया, एस फेज में आ जाओ, अब एस फेज में क्या क्या होगा वो बताओ, आ जाओ एस फेज का बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले आता हूं मैं इसको एस फेज को। पहले तो एस फेज के नाम देख लेते हैं, तो एस फेज को सिंथेटिक फेज या फिर संश्लेषण प्रावस्था ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम देख लेते हैं, तो सिंथेटिक फेज फेज संश्लेषण फेज, हिंदी में संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था, ठीक है। यहां पर क्या क्या होगा, तो मैंने कहा यहां पर डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए जो है वो डबल होता है यहां पर एस फेज के अंदर। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पर होगी, तो डीएनए का द्विगुणन कहां होता है, एस फेज के अंदर होता है भैया, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए द्विगुणन होता है। ठीक है भैया, और बताओ, मैंने कहा स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है,
हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण यही होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाकी सारी जो प्रोटीन है उनका संश्लेषण कहां होता है, जीवन फेज के अंदर होता है, लेकिन एक प्रोटीन है, दो प्रोटीन ऐसे जो स्टोन और ट्यूबुलिन प्रोटीन, इनका संश्लेषण जीवन फेज के अंदर नहीं होता। तो उनमें से एक प्रोटीन जो स्टोन प्रोटीन है उसका संश्लेषण तो आपका एस फेज के अंदर हो जाता है। अभी एक और बच गई, इसका बताएंगे आगे, ठीक है। चलो, एस फेज से पहले क्या कंडीशन होती है और एस फेज के बाद में क्या कंडीशन होती है उसका भी देखो। एस फेज से पहले, ठीक है, एस फेज से पहले भी कोशिका के अंदर, अपन मानव कोशिका की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम ही कोशिका के अंदर होते हैं। एस फेज से पहले भी मतलब जीवन फेज के अंदर भी आप ही कितने थे, कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम ही थे, 46 क्रोमोसोम ही थे, 46 क्रोमोसोम ही थे, ठीक है। एस फेज से पहले भी क्या है, 46 क्रोमोसोम ही थे, ठीक है। और क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, क्रोमोसोम कैसा था, ऐसा कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो कितना क्रोमेटिड था, एक क्रोमेटिड था, ठीक है। ये तो पूरा क्रोमोसोम है, ये तो पूरा क्या है, क्रोमोसोम है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। तो यहां पर क्या था, एक ही क्रोमेटिड था, क्रोमोसोम कितने थे, 46 ही थे, ठीक है, क्रोमेटिड एक था, ठीक है। और एस फेज के बाद में क्या होता है वो देखो, एस फेज के बाद क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एस फेज के बाद, एस फेज के बाद, ठीक है, एस फेज के बाद क्या होता है वो देखो, एस फेज के बाद क्या होता है, ठीक है। तो एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम जो है ना, एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्रोमेटिड जो है उनकी संख्या जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई। पहले क्रोमेटिड कितने थे, एक, अब क्रोमेटिड कितने हो गए, दो हो गए। क्रोमेटिड कितने हो गए, दो क्रोमेटिड हो गए, ठीक बात है क्या। क्रोमोसोम उतने ही हैं, 46 क्रोमोसोम भी अभी हैं, पहले भी 46 क्रोमोसोम ही थे और अभी भी 46 क्रोमोसोम ही है, लेकिन क्रोमेटिड जो है उनकी संख्या क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहां पर अपन एक बात लिखेंगे कि यहां पर डीएनए कंटेंट जो है ना, डीएनए जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की जो संख्या है वो उतनी की उतनी ही रहती है, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एनसीईआरटी एक बात लिखती है, वो बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इस बात से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। बात क्या है, बात यह है कि डीएनए कंटेंट जो है एस फेज के दौरान, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम संख्या सेम रहती है, क्रोमोसोम संख्या जो है वो सेम रहती है। एस फेज के दौरान डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम संख्या है वो सेम रहती है। तो यहां पर एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि पहले डीएनए कितना था, पहले डीएनए 2C था, तो एस फेज के बाद में कितना हो जाएगा, डीएनए 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा। तो यहां पर डीएनए का कंटेंट जो वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या ऐसा नहीं है कि पहले 46 थे तो अब उसके डबल हो जाएंगे, नहीं, पहले भी 46 था, अभी 46 थे, पहले क्रोमोसोम ऐसा था, ठीक है, एक क्रोमेटिड वाला था, अब दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन चुका है। तो ये अपन ने बात करी किसकी, एस फेज की बात करी। भैया एस फेज के अंदर और क्या होता है, और बता दो हमें कुछ, मैंने कहा और बता दू क्या, बता दो, सुन ले फिर और क्या होता है। तो मैंने कहा आपको, मैंने बताया था कि एनिमल जो सेल होती है ना, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको, ठीक है, पिछले चैप्टर में बताया था कि जो जंतु कोशिका होती है, प्राणी कोशिका होती है, एनिमल सेल होती है, उसके अंदर सेंट्रियोल बनता है, क्या बनता है, सेंट्रियोल बनता है। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यहां पर होगा, सेंट्रियोल का द्विगुणन भी यहां पर होता है, इसके अंदर एस फेज के दौरान क्या होता है आपका, सेंट्रियोल का द्विगुणन भी होता है, सेंट्रियोल का द्विगुणन भी यहां पर, ठीक बात है क्या, डन है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने बात कर ली किसकी, एस फेज की बात कर ली।
भैया अब जी टू फेज की बात करते हैं, जी टू फेज की बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, पहले तो जी टू फेज का नाम देख लो, वही जी टू फेज का क्या नाम होगा, गैप टू या फिर गैप टू या फिर सेकेंड ग्रोथ। सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज कह देंगे इसको, पोस्ट मतलब सिंथेटिक फेज के बाद में आ रहा है तो पोस्ट सिंथेटिक फेज कह देंगे। ठीक है, और यहां से क्या होगा आपका एम फेज आता था ना, यहां पर आपका एम फेज स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। जी टू फेज के बाद में आपका एम फेज स्टार्ट होगा, तो एम फेज से पहले आता है इसलिए क्या कह देंगे, प्री माइटोटिक फेज भी कह देंगे इसको। अरे एस फेज के बाद आता तो पोस्ट सिंथेटिक फेज कह दिया, और माइटोटिक फेज से पहले आ रहा है तो उसको प्री माइटोटिक फेज कह दिया। तो ये इसके कुछ नाम हो जाते हैं, ये इसके कुछ नाम हो गए। होता क्या है यहां पर वो देखो, इसके अंदर होता क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट चीज है भैया। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी, इनका क्या होता है द्विगुणन होता है, इनका क्या होता है द्विगुणन होता है। इनका द्विगुणन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी का द्विगुणन कहां होता है आपकी जी टू फेज के अंदर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाकी सारी प्रोटीन कहां बनती है आपकी जीवन फेज के अंदर बन जाती है, लेकिन दो प्रोटीन ऐसे हैं जो जीवन फेज के अंदर नहीं बनती, वह कौन कौन से, मैंने कहा स्टोन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन कहां बनी, एस फेज के अंदर बन जाती है, बच गई कौन सी ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो कहां बनती है वो जी टू फेज के अंदर बनती है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए भाई। तो यहां पर अपन लिख देंगे, यहां पर अपन चीज ऐड कर देंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का यहां पर क्या होता है संश्लेषण होता है। ट्यूबुलिन का संश्लेषण होता है, ठीक बात है क्या। अब इसका आप ले लो क्या, पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो, मैं खुद को गायब करूंगा, खुद को मैं एक बार गायब करूंगा और इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आपको नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा एक बार। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, नीचे वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पूरा दिखना चाहिए ना ढंग से, वरना दिखेगा नहीं बाद में आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तो मैं सही और कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लिख देख लिया या फिर लिख भी लो, साथ साथ में लिख लो, पोज करके लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक लो वीडियो को, लिख लो साथ साथ में, वरना स्क्रीनशॉट पड़े रहेंगे, आप लिखोगे नहीं। अब इसको आप पोज करके रोक लो वीडियो को और यहाँ पर ही नोट कर लो ना, स्क्रीनशॉट रहने दो, ऐसे ही नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो भैया, ठीक है, तो यहां पर ये मामला यहां पर सेट हो जाता है। ठीक है, डन है, आ जाऊं मैं सामने अब। ठीक है, तो ये अपने कुछ फेज है अंतरावस्था के, जो फेज है उनके बारे में अपन ने अच्छे से बात कर ली, ठीक है। चलो अब अंतरावस्था के बारे में जो अपन ने बातें रह गई हैं उनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अंतरावस्था, ठीक है, इंटरफेज के बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं। इंटरफेज के बारे में
ठीक है। तो मैंने कहा ये रेस्टिंग फेज है, ये क्या है आपका रेस्टिंग फेज होता है, तैयारी का चरण होता है, ये तो भैया आपने बता दिया हमें। मैंने कहा एक बार और लिख ले, ये क्या है रेस्टिंग फेज होता है, तैयारी का चरण है ये, तैयारी का चरण है, ठीक है। इसके अंदर विभाजन नहीं होता, अंतरावस्था के अंदर विभाजन थोड़ी ना होता, जो तैयारी होती है यहां पर धन, तो यहां पर विभाजन नहीं होता, यहां पर विभाजन जो है वो नहीं होता, ठीक है। उपापचय रूप से ये सक्रिय होती है, जो अंतरावस्था होती है वो आपकी उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है, क्या होती है उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है, उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है। सबसे बड़ा चरण यही होता है, आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा चरण यही है, 95% ऑफ टाइम है वो इसी में लग जाता है, तो सबसे बड़ा चरण यही है, सबसे बड़ा चरण है। 95% जो समय है वो यही खा जाता है, 95% टाइम, तो ठीक बात है, ठीक है भैया, ये आपको मैंने बेसिक बातें बता दी। अब इस चक्कर के अंदर, इस कोशिका जो चक्र है इसके अंदर क्या है आपकी कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं, इस कोशिका चक्र में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। भैया चेक पॉइंट्स क्या है, मैंने कहा चेक पॉइंट्स वो पॉइंट है जो चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, कोशिका को चेक करेंगे। भैया क्या चेक करेंगे कोशिका का, मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देख क्या चेक करेंगे, एक सेकेंड, मैंने कहा जो चेक पॉइंट है ये करेंगे चेक करेंगे, ठीक है। कोशिका को चेक करते हैं कि भैया जो कोशिका इस कोशिका चक्र में आ चुकी है जिसको विभाजन करना है, क्या ये विभाजन करने लायक भी है क्या, ठीक है। इसकी देखेंगे कि भैया ये इसके अंदर इतनी हिम्मत है क्या कि ये विभाजन कर ले, ठीक है। विभाजन ऐसा नहीं कि भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इसको विभाजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चेक पॉइंट जो उसको चेक करते हैं, कोशिका को चेक करते हैं। अरे समझ में आई या नहीं आई, बोला हाँ या ना, ठीक है। तो वो यहां पर चेकिंग का काम होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि यहां पर कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स, हेडिंग डालो कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स, कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स, ठीक है। यहां पर आपको बस बातें ध्यान में रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि जो चेक पॉइंट्स आपके होते हैं ना, ये जो चेक पॉइंट्स आपके बने हुए होते हैं वो प्रोटीन काइनेज द्वारा नियंत्रण उनका होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखेंगी कि प्रोटीन प्रोटीन काइनेज द्वारा नियंत्रण होता है, और ये जो प्रोटीन काइनेज है वो किस पर निर्भर होती है, साइक्लिन पर निर्भर होती है। ये किस पर निर्भर होती है, साइक्लिन, कौन सी प्रोटीन, साइक्लिन क्या है, साइक्लिन प्रोटीन पर निर्भर होती है ना, साइक्लिन पर निर्भर होती है, साइक्लिन पर निर्भर होती है। तो यहां पर मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये, कैसा काइनेज है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, साइक्लिन पर निर्भर होता है, बस आपको ध्यान में रखना है ना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चेक पॉइंट होते हैं, कितने चेक पॉइंट होते हैं, मैंने कहा दो चेक पॉइंट होते हैं, कितने चेक पॉइंट होते हैं, दो चेक पॉइंट होते हैं, जब थोड़ी बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दो चेक पॉइंट होते हैं, दो चेक पॉइंट होते हैं, एक जीवन से एस और एक होता है आपका G2 से M पर जाने पर, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम में, चलो। तो मैंने कहा जब कोशिका
जीवन से एस फेज के अंदर घुसेगी, जीवन से एस फेज के अंदर यहां पर घुसेगी तो यहां पर क्या होगा, चेक पॉइंट होगा, और वो चेक पॉइंट कोशिका को चेक करेगा कि ये कोशिका जाने लायक है या नहीं। खैर एस फेज में जाने लायक तो है क्या ये कोशिका। उसके बाद में दूसरा चेक पॉइंट कहां होता है, इस एम फेज और जी टू फेज के बीच में, यहां पर होता है जब जी टू और एम फेज के अंदर कोशिका जाएगी, जी टू फेज से एम फेज के अंदर कोशिका जा रही होगी, उस टाइम पर उसको चेक किया जाएगा कि ये आगे विभाजन करने लायक भी है ये कोशिका, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो चेक पॉइंट यहां पर काम करते हैं। तो यहां पर अपन नोट करेंगे कि जीवन से एम फेज, जीवन से एस फेज में जाने वाला जो चेक पॉइंट होता है वो मेजर चेक पॉइंट है, ठीक है, प्रमुख चेक पॉइंट यही वाला है, ये क्या आपका मेजर चेक पॉइंट है। प्रमुख रूप से कोशिका को यही चेक कर लिया जाता है, ठीक बात है क्या, ठीक है। इस चेक पॉइंट को जीवन साइक्लिन, जीवन साइक्लिन या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज टू द्वारा चेक होता है, जीवन साइक्लिन या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज टू द्वारा चेक होता है, चेक होता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज टू, इसको शॉर्ट में सीडीके टू भी कहते हैं ना, सीडीके टू भी कहते हैं इसको, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है, आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। जी टू से एम जाने की बात कर लेते हैं, तो ये आपका माइनर चेक पॉइंट होता है, वो मेजर चेक पॉइंट है, ये माइनर चेक पॉइंट है, और यहां पर भी जो चेकिंग है वो यहां पर किससे होती है, एम साइक्लिन, एम साइक्लिन प्लस सीडीके टू से यहां पर जो चेकिंग आपकी वो होती है। तो ये चेक पॉइंट होते हैं जीवन फेज की, अपन ने बात, सॉरी इंटर अंतरावस्था की अपन बात कर रहे थे, इसके अंदर अपन जीवन फेज की बात कर ली, अपन एस फेज की बात कर ली, जी टू फेज की अपन ने बात कर ली। एक फेज और होता है जीनोट फेज, ठीक है, जिसको शांत अवस्था भी कहते हैं, इस शांत अवस्था की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे, तो यहां पर अपन इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना, ओके बाय।